Hi everyone, this is Veronica. I hope you all are doing good. So आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का स्काई ग्लो पे है, लाइट पोल्यूशन पे है कि लाइट पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट एनिमल्स इंसेक्ट्स पे पड़ रहा है। यहाँ पे केस स्टडी की गई है डंग बीटल्स की। डंग बीटल्स इनको क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। और डंग बीटल्स अभी तक मिल्की वे को यूज़ कर रहे थे डायरेक्शन ढूंढने के लिए, लेकिन रिसेंटली बिकॉज ऑफ नाइट ग्लो, स्काई ग्लो जिसको आप बोलते हैं, लाइट पोल्यूशन, अब ये मिल्की वे को अपनी एज कंपस यूज़ नहीं कर रहे। ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। यहाँ पे हम स्काई ग्लो के बारे में जानेंगे, डंग बीटल के बारे में जानेंगे, लाइट पोल्यूशन के बारे में जानेंगे और सोल्यूशन क्या है इस चीज़ की। ये एक आर्टिकल था जहाँ पे स्काई ग्लो की बात की गई थी कि स्काई ग्लो किस तरह से फोर्स कर रहा है डंग बीटल को सिटीज़ में कि वो मिल्की वे को जिस तरह से अपना कंपस यूज़ करते थे वो ना करें और कोई नए तरीके ढूंढ लें। स्काई ग्लो की बात करें तो आपको पता है कि रात को लाइट ऑन रहती है सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपको रात के समय में मिलेगी, फ्लड लाइट्स लगी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। एनिमल्स जो रात को एक्टिव होते हैं ये डायरेक्टली उनकी आंखों पे असर करती हैं और स्काई पे भी असर करती है। जैसे एनिमल्स दो तरह के होते हैं, डायोर्नल, नॉक्टर्नल। ओके, डायोर्नल होते हैं जो दिन को एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं। अब जो रात को किस तरह के एनिमल एक्टिव होते हैं, आउल्स हो गए, आपके बैट्स हो गए, आप मुझे बताइए, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, उनको इससे बहुत नुकसान होता है। अब जितनी लाइट सिटीज़ में ऑन है, आर्टिफिशियल लाइट्स, कुछ लाइट उसमें से रीडायरेक्ट होती है टूवर्ड्स द अर्थ, वापस जो अर्थ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी आंखों की तरफ, जिसको हम स्काई ग्लो बोलते हैं। और ये हर जगह प्रेजेंट है, एक शीट ऑफ लाइट है। नाइट स्काई में आपको एक शीट ऑफ लाइट दिखेगी अराउंड द सिटीज़, जो आपको स्टार्स भी आप रात को नहीं देख पाएंगे इस स्काई ग्लो, इस नाइट ग्लो की वजह से। यहाँ पे आगे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से ये स्काई ग्लो है, किस तरह से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये है लाइट मोड, जब ब्राइट लाइट्स ऑन है शहरों की, तो आप रात को आपको स्काई कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपकी आंखों को ब्लॉक करेगा, आप नहीं देख पाएंगे। और ये नाइट मोड है जहाँ पे लाइट नहीं है, तो किस तरह से आपको स्टार्स दिख रहे हैं और काइंड ऑफ ये इस तरह से नीचे स्काई ग्लो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि केस स्टडी डंग बीटल पे की गई है। डंग बीटल जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इस स्टडी से क्या मालूम पड़ता है, यहाँ पे डंग रोलिंग परफॉर्मेंस बीटल्स की एक रूरल पार्ट है लिम्पोपो प्रोविंस का, वहाँ पे स्टडी किया गया बीटल्स पे। एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया, दो जगह को कंपेयर किया कि लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब डंग बीटल क्या करती है, जो एनिमल्स की डंग होती है ये उसको रोल करती है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, बॉल बनाती है और फिर उसको रोल कर करके जहाँ पे भी इसको जाना होता है, अपने घर की तरफ आप कह लो, वहाँ जाएगी। अब इसको डंग की ज़रूरत क्यों होती है, अपने फूड के लिए और उसके बाद ब्रीडिंग पर्पस के लिए। ये अपने एग्स को, इट लेज एग्स ऑन दिस बॉल, और ताकि जो इसके एग्स से इसके जो हैचलिंग्स होंगे, जो बच्चे निकलेंगे, वो फीड कर सके इस डंग पे, इसलिए इसको इस डंग की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन रात को जब ये मूव करती है, अभी तक ये मिल्की वे को देखते हुए मूव करती थी, लेकिन अब अगर मिल्की वे इसको नहीं दिख पा रहा रात की लाइट्स की वजह से, तो क्या नोटिस किया जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इस पर स्टडी कर रहे हैं, कि सब बीटल्स एक ही तरफ मूव कर रही हैं। अगर जहाँ पे जिन एरियाज पे नाइट ग्लो या स्काई ग्लो नहीं है, वहाँ पे ये मिल्की वे को देखते हुए सब बीटल्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं जहाँ उनको जाना होता है। वो कंफ्यूज नहीं होती, दे आर नॉट परप्लेक्स्ड, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, क्योंकि इनका भी तो कंपटीशन होगा ना, ब्रीडिंग के लिए कंपटीशन होता है। अगर सब बीटल्स एक जगह टकरा जाएंगे तो इनमें खुद में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, फाइट्स हो जाएंगी, जिस तरह से एनिमल बिहेवियर होता है। बट और यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करके देखी, नाइट स्काई में जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट है और जहाँ पे नेचुरल कंडीशंस है, वहाँ पे क्या फ़र्क है। तो देखा गया कि यस, इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। तो जैसे ये पहले जिस एरिया में मिल्की वे को देख के अपनी डायरेक्शन मूव करती थी, अब ये उसको देख के नहीं बल्कि नाइट जो ब्राइटनेस है सिटीज़ की उनको देख के मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है फाइंडिंग्स कंफर्म बीटल्स एक्सपोज टू लाइट पोल्यूशन। तो स्काई ग्लो क्या है, लाइट पोल्यूशन है। उनको उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, वो मिल्की वे को देख के नहीं जा रहे हैं और उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया। तो जैसे डंग बीटल का लाइफ साइकिल होता है, एक एग, फिर लार्वा, प्यूपा, न्यू एडल्ट जो सॉइल से निकलता है, फ्रेश डंग को ढूंढता है अपने खाने के लिए और आगे उसको भी ब्रीड करना है, उसको एग ले करने हैं, उसके लिए उसको डंग की ज़रूरत है। डंग बीटल्स अभी तक जैसे मिल्की वे को यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और फिर एक स्ट्रेट लाइन में उसको देखते हुए आगे चलते हैं। दे आर द ओनली स्पीशीज इन द एनिमल किंगडम नोन टू डू सो। तो ये ओनली स्पीशीज है एनिमल किंगडम में जो इस तरीके का काम करते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे वो मैग्नेटिक पोल को यूज़ करते हुए मूव करते हैं। अब लाइट पोल्यूशन की बात करें तो लाइट पोल्यूशन क्या है? एक्सेसिव, मिसडायरेक्टेड, ऑब्ट्रूसिव आर्टिफिशियल यूजुअली आउटडोर लाइट्स जो रहती हैं उसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है, जहाँ पे ज़रूरत देखिए रात को भी है लेकिन उससे एक नेचुरल इकोसिस्टम जो है आपका वो बर्बाद हो रहा है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, रात का समय है लेकिन कितनी रोशनी है, अनवांटेड, आपका नेचुरल सिस्टम ऐसा नहीं है। अब लाइट पोल्यूशन के कितनी टाइप्स हैं? ग्लेयर, ग्लेयर क्या हो गया कि बैकग्राउंड लाइट आपकी बहुत ज़्यादा है। स्काई ग्लो जो अपवर्ड डायरेक्टेड लाइट मैंने आपको दिखाई, जब वो रिफ्लेक्ट होती है पार्टिकल्स पे स्काई में, वो स्टार्स की विजिबिलिटी को कम करती है। लाइट ट्रेसपास क्या है? जब एक ऐसे एरिया पे पड़ती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। ओवर लाइटनिंग क्या है? ओवर लाइटिंग क्या है? एक्सेसिव यूज़ कर रखा है, फ्लड लाइट्स यूज़ की हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओवर इल्यूमिनेशन, यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट को कहीं गुना ज़्यादा यूज़ किया, दैट इज़ ओवर इल्यूमिनेशन। तो ये अलग अलग तरह है लाइट पोल्यूशन की। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया, ये स्काई ग्लो है, ये बैकग्राउंड लाइट है, ये ट्रेसपास है, इकोलॉजिकल लाइट पोल्यूशन, ओवर इल्यूमिनेशन, वेल डायरेक्टेड, ये वेल डायरेक्टेड लाइट है कि जहाँ जितनी चाहिए उतनी ही पड़ रही है। अब लाइट पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट और व्हीकल लाइट एक रीज़न है, गाड़ियों से जो लाइट निकलती है, एडवर्टाइजिंग लाइट्स जो एडवर्टाइजिंग एड बोर्ड्स लगे होते हैं, इंडस्ट्रियल लाइट। तो कितना कितना परसेंटेज है आप इसको कलर से कंपेयर करके देख सकते हैं। स्ट्रीट व्हीकल लाइट देखिए किस तरह से रात को दिखती है, एडवर्टाइजिंग लाइट्स, ये सब ने एड्स दे रखी है यहाँ पे, ये शोरूम, ये शोरूम, पिक्चर्स की एड, अलग अलग एडवर्टाइजिंग एड, इंडस्ट्रियल जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह की लाइट। तो ये सब रीजंस हैं लाइट पोल्यूशन के। अब इम्पैक्ट इस लाइट पोल्यूशन का किस पे पड़ता है? तो मैं आपको डंग बीटल का एग्जाम्पल केस स्टडी बता चुकी हूँ। बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो स्टार्स के रेफरेंस से मूव करते हैं। नॉक्टर्नल एंट्स हैं, वो लैंडमार्क्स यूज़ करती हैं अपनी आउटबाउंड जो जर्नीज़ होती है उसमें, लेकिन उनको स्काई का कंपस चाहिए वापस घर पहुंचने के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे बताया मैग्नेटिक कंपस यूज़ करते हैं लैटिट्यूड चेक करने के लिए, मैग्नेटिक नॉर्थ के लिए, बट स्काई जो कंपस है उसको भी यूज़ करते हैं देखने के लिए कि क्या हम सही जा रहे हैं, कैलिब्रेट करने के लिए अपनी मैग्नेटिक कंपस को टू जोग्राफिक नॉर्थ। तो इतना ब्राइट लाइट होगा तो इन लोगों के एनिमल्स के जो ये मैकेनिज्म्स हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। वेस्ट एनर्जी एंड मनी, तो ऑब्वियसली इससे एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, मनी भी वेस्ट हो रहा है। टू मच लाइटनिंग, ब्राइट, शाइन, इससे ह्यूज इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों हैं। एनर्जी वेस्ट होगा, स्काई ग्लो से आप देख सकते हैं कितने बिलियंस आप लाइट ऑन कर रहे हैं, कितनी एनर्जी, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि एवरेज हाउस में कितनी लाइट से क्या वेस्ट हो रहा है। लाइट पोल्यूशन से क्या कॉस्ट, 13% ऑफ रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द US इज फॉर आउटडोर लाइटिंग। लोग घर के बाहर के स्विचेज ऑन करके, बल्ब्स ऑन करके रात को सोते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। 15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एमिट होती है, पैसेंजर कार्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे। तो एनर्जी, मनी सब वेस्ट, और ऊपर से आपको इन्वायरमेंट को असर पड़ रहा है। ह्यूमन हेल्थ को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जैसे कि बाकी एनिमल्स को फ़र्क पड़ता है उसी तरह से ह्यूमंस का भी सर्काडियन रिदम है। हमको पता है हमको कब जागना है, कब सोना है, हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको स्लीप वेक पैटर्न बोलते हैं। ये डे नाइट साइकिल के साथ चलता है। आर्टिफिशियल लाइट जो रात को है ये साइकिल को डिस्टर्ब करती है। कितने लोग होते हैं कंप्लेन करते हैं हमको रात को नींद नहीं आ रही, ये सब लाइट की वजह से ये चीज़ें, हमारा सर्काडियन जो रिदम है वो ख़राब हो रहा है। क्या इस चीज़ का कोई सल्यूशन है? हर चीज़ का सल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? अननेसेसरी जो लाइट्स हैं रात को उनको बंद कर दीजिए। जहाँ पे भी लाइट्स टर्न ऑफ कर सकते हैं, अगर टर्न ऑफ नहीं कर सकते शील्ड कर दीजिए ताकि वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में ना पढ़ें, जितना आपको चाहिए उतना ही आप उसको यूज़ करें। लेस डेवलप्ड रीजन्स हमने देखा जहाँ पे लाइटिंग कम है वहाँ पे स्पीशीज़ भी ज़्यादा हैं, लेस लाइट पोल्यूशन है और अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन लाइटिंग सोल्यूशंस, तो वहाँ पे हम लाइटिंग सोल्यूशंस को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, एनिमल स्पीशीज़ पे फ़र्क पड़ने से पहले। तो इस तरह के सोल्यूशंस, आप क्या क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ये एक और पिक्चर है ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की, किस तरह से लाइट लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा फैलती है ना। इसको आप परफेक्ट डिज़ाइन बना के लगाइए कि अगर रोड पे चाहिए तो रोड पे ही लाइट लगे, साइड पे ना लगे। इस तरीके से हम कुछ कुछ इनोवेशंस जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए वेरी बैड लाइट, बहुत ज़्यादा इससे ब्राइटनेस है, तो किस तरीके से यहाँ पर लैंप लगा दिया जितने एरिया में चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट यूज़ कि आपको स्ट्रीट लाइट्स चाहिए आप लगाइए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से लगाइए। तो ये लाइट पोल्यूशन के बारे में बात की हमने, एनिमल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है, केस स्टडी हमने डंग बीटल की यहाँ पे पढ़ी। अब ये स्टेटमेंट्स देखिए, लाइट पोल्यूशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, स्टेटमेंट 1। 2 is artificial light at night has positive effects on many creature including amphibian, birds, animals, insects। क्या इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आई थिंक आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कमेंट कर पा रहे, नहीं आंसर पता चल रहा, तो आप इसको टेलीग्राम में क्विज के तौर पे लीजिए, आपको इसका आंसर वहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। बहुत सारे कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स हैं, उन पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।